दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2024 की ऑफिशियल चैंपियन है, ये बात अब सबको पता ही चल चुकी है। बट अब दोस्तों इनका धमाका जारी रह रहा है और यहाँ पर अगर रिसेंटली बात करें तो आज काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आई है और कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ ऐसी भी अपडेट्स हैं जो शायद आपका दिल थोड़ा बहुत दुखा सकती हो। और एज अ केकेआर फैन, एज अ क्रिकेट फैन तो आपको पसंद आएगी, बट एज अ केकेआर फैन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, सभी टॉप अपडेट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसा कि हमने कहा था यहां पर दोस्तों टेलीग्राम पर जब हमारे 5000 मेंबर्स हो जाएंगे तो हम एक गिव अवे करने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों कौन कौन इंटरेस्टेड है उस गिव अवे के अंदर वो जरूर आप नीचे कमेंट कर दीजिए क्योंकि वो माइलस्टोन हमारा बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों सभी टॉप अपडेट्स के ऊपर नजर फेर लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट आ रही है यहां पर दोस्तों अभिषेक नायर को लेकर। तो रिसेंटली जो अभिषेक नायर है उनके लिए एक बड़ी अपडेट आई है। हालांकि जो चंद्रकांत पंडित है उन्होंने तो अभिषेक नायर की बहुत ज्यादा तारीफ की और तारीफ करते हुए काफी कुछ कहा भी है, बट वहीं अगर बात करें तो अभिषेक नायर आपको शायद ध्यान होगा सीपीएल के अंदर इनको टीम जो टीकेआर है उनके साथ जोड़ा गया था और पूरे सीपीएल हिस्ट्री में सबसे गंदा परफॉर्मेंस अभिषेक नायर के टाइम पर ही आया था। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे, आप किस्मत कह सकते हो, परफॉर्मेंस कह सकते हो, डिसीजन कह सकते हो, काफी कुछ कह सकते हो, बट वहीं अगर बात करें तो अभिषेक नायर के लिए वो सीजन अच्छा नहीं गया था। बट अगर अभी बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको एडीकेआर, एलएकेआर और यहां पर टीकेआर तीनों के ही जो सीजन अभी बाकी है ना उनके साथ आपको एज चीफ मेंटर या फिर आपको एज कोच देखने को मिल सकते हैं अभिषेक नायर। ये कंफर्म किया है अभी वेंकी मैसूर ने, फाइनल डिटेल्स आने वाले टाइम में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगली अपडेट आती है यहां पर वेंकटेश अय्यर को लेकर। तो रिसेंटली वेंकटेश अय्यर की शादी हो चुकी है जहां पर मौजूद थे वेंकी मैसूर भी और ये खुशी के मौके के ऊपर वेंकी मैसूर ने कहा कि आईपीएल की जीत और फिर हमारे टीममेट की यहाँ पर शादी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप सभी को बता दें क्योंकि मेगा ऑक्शन के अंदर 3 प्लेयर्स रिटेन करने और एक आरटीएम है तो वहाँ पर वेंकटेश अय्यर नहीं होने वाले हैं और अब क्योंकि मेगा ऑक्शन है तो वेंकटेश अय्यर जैसा क्वालिटी बैट्समैन और आप कह सकते हो क्वालिटी ऑलराउंडर टीम केकेआर के अंदर शायद ही वापसी आ सके। तो आप सबसे पहले नीचे कॉमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग टोटल 4 खिलाड़ी कौन से एक पे आरटीएम और 3 रिटेन कौन से केकेआर कर पाएगा। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर दोस्तों नीतीश राणा को लेकर। तो नीतीश राणा के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आने वाले जो वर्ल्ड कप है उसके बाद जब टीम इंडिया की छोटी सीरीज होने वाली है ना तो अभी नीतीश राणा एनसीए के अंदर है, वहाँ हर्षित राणा भी मौजूद हैं और अगर बात करें तो ये दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए वापस खेलने वाले हैं। हर्षित राणा का डेब्यू होने वाला है इंडिया, ऐसे तो वो खेल चुके हैं बट इंडियन टीम से खेलने जा रहे हैं और अच्छी बात वहाँ पर यह है कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं वो सब रेस्ट करेंगे तो उस सीरीज के अंदर कैप्टन या तो जसप्रीत बुमराह बनकर जाएंगे या फिर दोस्तों आपको कैप्टन श्रेयस अय्यर बनते हुए देखने को मिलेंगे। यानी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि केकेआर के प्लेयर्स भी रूल कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग कि आपको भी लगता है कि केकेआर के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इंडियन टीम के लिए खेलने चाहिए।